तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पराठा बहुत अच्छा बना हुआ है, और ये ऐसा पराठा है कि जो बनाने में एकदम इजी तरीका है और बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। तो ये हमारा पराठा सूजी और ब्रेड, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और प्याज का है। तो आप अगर इसमें और कम सब्जी डालना चाहते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये पराठा ऐसा है कि बहुत हेल्दी पराठा है जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सुबह के नाश्ते में बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे इसको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम हेल्दी पराठा जो ब्रेड का बनता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत इसको शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम झटपट बनने वाला पराठा मैं बताऊंगी आपको। तो ये देखिए ये सैंडविच वाला ब्रेड है, आप ब्राउन भी ले सकते हैं, व्हाइट भी ले सकते हैं, आपके पास कोई सा भी हो वो यूज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे तोड़ के ग्राइंडर जार में डालेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गिलास से मैं आधा गिलास दही ली हूँ और इसको हम इसी में डाल देते हैं। तो जितना हम दही लेंगे उतना सूजी भी लेंगे, सूजी भी हम इसमें डाल देते हैं। तो इसको हम एकदम फाइन पाउडर, फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो सूजी को हम इसको डाल देते हैं। तो ये हमारा आधा गिलास सूजी है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे और एकदम जैसे हम डोसा बनाते हैं उसी तरह का इसका पेस्ट बनेगा। पांच ब्रेड ली हूँ और पांच ब्रेड इसमें तोड़ के डाल दी हूँ। देखिए दही भी डाल दी, सूजी भी डाल दी। अब इसको हम चल रहे ग्राइंडर जार से इसको एकदम फाइन पेस्ट बनाने। यहाँ पे देखिए मैं कुछ सब्जियाँ भी ले ली हूँ, तो आप अपने पसंद के हिसाब से सब्जी ले सकती हैं, इसमें कोई स्किप कर सकती हैं और इसमें डाल सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च है, गाजर है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, धनिया की पत्ती है, प्याज है और ये है हरा मिर्चा। तो आप जितना तीखा पसंद करते हैं उसी के हिसाब से मिर्चा डालिए। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं और इसको हम पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही, सूजी, ब्रेड, इतना अच्छा पेस्ट बना हुआ है। तो ऐसा ही पेस्ट हमको चाहिए। अब इसमें हम सब्जी जो है काट के रखी हूँ तो इसको हम इसी में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सारा आइटम जो सब्जी का काट के रखी थी सारा इसमें मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पे मैं कुछ मसाले ली हूँ, तो ये देख रहे हैं ये अजवाइन है और ये काली मिर्ची का पाउडर है, ये हल्दी है, ये गरम मसाला है 1/4 चम्मच, और ये स्वाद अनुसार नमक है और ये धनिया है। तो हम इसको इसी में ऐड कर लेते हैं और अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सब चीज फेंट के एकदम रेडी कर ली हूँ। अब इसमें हम डालेंगे इनो। इनो हम इसलिए डालेंगे कि ये जो पराठा है हमारा एकदम जालीदार और वो एकदम अच्छा लगे खाने में, तो इसके वजह से हम ये डाल रहे हैं। आप इसके जगह मीठा सोडा भी ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर भी ले सकते हैं, आपके पास जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनो डाली हूँ इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम फेंट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेड का नाश्ता, देखिए इतना ही ढीला रहना चाहिए, देखिए गिराने पे कितने अच्छे से गिर रहा है और एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो इधर आप देख सकते हैं मैं तवा रख दी हूँ गर्म होने के लिए और इसमें मैं तेल रखी हूँ, ये भी गर्म हो गया है। अब ऐसे इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो आपको जितना बड़ा जितना मोटा पतला चाहिए उस हिसाब से इसको इसमें डालेंगे और देखिए ऐसे करछुल से बढ़ा देंगे। और यहाँ पे मीडियम फ्लेम रहेगा, हाई फ्लेम नहीं रहेगा। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, ये बहुत जल्दी से बन के तैयार होता है। अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं 2 मिनट। हमारा 2 मिनट हो गया है, अब इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसको हम ऐसे पलटे से पलट देते हैं और दूसरे तरफ इस तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गोल्डन ब्राउन हो गया है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें बहुत कम तेल लगता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो आप जरूर एक बार अपने घर पे इस तरह से ट्राई करिए और बच्चों को लंच बॉक्स बना के दीजिए, देखिए कितने पसंद से खाते हैं सब, सारा टिफिन चाट के आएंगे। तो हम 1 मिनट के लिए और इस तरफ से ढक के बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ से एकदम अच्छे से हो गया है, इसको हम ऐसे इस तरह से भी देख लेते हैं। तो देखिए इधर से भी एकदम अच्छे से हो गया है। तो इसको हम प्लेट में निकाल के रख लेते हैं। देख सकते हैं ये पराठा बन के एकदम रेडी हो गया है और बच्चे खाने के लिए मांग रहे हैं। तो आप जरूर ऐसा पराठा बना के दीजिए, बच्चे रोज टिफिन चाट के आएंगे। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे करके हम सारा बना लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।